एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज़ टीम का अगला पड़ाव जनपद सहारनपुर के ब्लॉक सरसावा में स्थित रायपुर गांव पड़ा। लगभग 6000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 6 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव की प्रधान राजकुमारी हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 2600 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी विद्यालय में लगभग 72 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में 4 सीसीटाइज रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 शौचालय, प्राइमरी विद्यालय में शौचालय तथा नाली का निर्माण भी कराया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए गांव में 80 हैंडपंप तथा विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 100 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व 85 LED लाइट भी वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई गई हैं। 22 सोलर लाइटें भी वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में बारात घर, जूनियर हाई स्कूल, शमशान घाट, तालाबों का सौंदर्यकरण तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि गांव के वर्तमान प्रधान गांव में विकास कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन समय से धनराशि की किस्त न आने से विकास कार्य की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। मैं प्रधान पति ठाकुर दिनेश सिंह, गांव रायपुर और ब्लॉक सरसावा, जिला सहारनपुर। 750 मीटर नाली और जो है 3 CC जो करीब जो है 800 मीटर के करीब पट्टे हैं भाई, और 2 खड़ंजे जो करीब 500-900 मीटर, और पूरे गांव की जो है टंकी का जो टूट फूट थी वो सब रिपेयर करवाई, 3 नल रिबोर करवाए, 2200 ऊर्जा लाइट लगवाई, 85 LED लगवाई। गांव में जो है बारात घर नहीं है, बहुत तगड़ी परेशानी है, और वेलकम गेट नहीं है, वो बहुत जरूरी है। मैं अशोक सिंह राणा रायपुर निवासी, और ग्राम प्रधान जी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े विकास का काम कर रहे हैं, सड़कें बनवा दी, LED बल्ब लगवा दिए, और जो भी गरीब लोग हैं उनके साथ 24 घंटे घूमने पर रहे, 24 घंटे उनके काम करते हैं।